हिमाचल युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर के सरकाघाट आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही रोड शो भी निकाला गया। पुराना बस अड्डा से यदुपति ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कई हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उसे वे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और पंचायती राज चुनावों में हिमाचल युवा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के साथ मिलकर अपना झंडा बुलंद करेगी। यदुपति ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला से संबंध रखने के बावजूद भी सरकाघाट व जिला मंडी के साथ सौतल्य व्यवहार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह पर हमला करते हुए यदुपति ठाकुर ने कहा कि उन्होंने स्थानीय विधायक की नालायकी की वजह से महेंद्र सिंह ने सरकाघाट का हक छीना है। यदुपति ठाकुर ने कहा कि अब सरकाघाट के लोग अपना हक मांग कर नहीं छीन लेंगे। आने वाले दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व स्थानीय मंत्री महेंद्र सिंह का घेराव किया जाएगा और काले झंडे दिखाकर सरकाघाट पर जिला मंडी के हक का हिसाब मांगा जाएगा। इस मौके पर यदुपति ठाकुर भाजपा के 2 दर्जन से अधिक सदस्य ने वर्तमान विधायक कर्नल इंद्र सिंह की कार्यप्रणाली से दुखी होकर कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए लोगों ने आरोप लगाया है कि भाजपा लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है, इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। आज मैं बतौर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि अपनी कर्मभूमि सरकाघाट में आया। उसके लिए मेरे तमाम साथियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इतनी बड़ी तादाद में जो है मेरा स्वागत किया, नागरिक अभिनंदन किया। उसके लिए मैं तमाम सरकाघाट और धर्मपुर के जो हमारे छोटे भाई हैं अंकित बनियाल जी जिला अध्यक्ष हमारे, तरुण ठाकुर जी और सरकाघाट विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे सौरभ शर्मा जी, प्रवीण जी, ललित जी और हमारे और भी कई साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं इनका जो है धन्यवादी हूँ और दिल की गहराइयों से जो है आभार प्रकट करता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है पंचायती चुनाव रहेगा कि अभी जो आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा सरकार ने रोस्टर में भारी हेर फेर की है, अपने चहेते लोगों को जो है कैंडिडेट बनाने के लिए जो है बहुत ही धांधली हुई है, रोस्टरों में भारी मात्रा में जो है छेड़छाड़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी कांग्रेस पार्टी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए जो है हिमाचल युवा कांग्रेस जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और जो 2022 में हमारे जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी को जो है सरकाघाट में बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए जो है हम प्रयास करेंगे और जो हार का सूखा जो पिछले 15 साल से सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में है उसको भी दूर करने के लिए जो है भरसक प्रयास किए जाएंगे।